नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। दिल्ली के अशोका रोड पर स्थित शंगरीला होटल में प्रसिद्ध गायिका मेघा चोपड़ा का लोहड़ी ऑन दी लोहड़ी गाना लॉन्च हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि किस प्रकार इस गाने को बनाने का ख्याल उनके मन में आया। आपको बता दें कि मेघा चोपड़ा का लोहड़ी ऑन दी लोहड़ी गाना आजकल के युवाओं को देखकर बनाया गया है, जिसमें लोहड़ी की मान्यता को तो बरकरार रखा ही गया है, साथ ही युवाओं के लिए भी भरपूर मिश्रण डाला गया है। इस अवसर पर मेघा चोपड़ा के साथ शाश्वत और शैलेश गिरी और उषा मिश्रा जी भी मौजूद रहे। इस गाने को डायरेक्ट किया है शाश्वत जी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाने को रिकॉर्ड भी घर पे किया, किसी स्टूडियो में जाके नहीं किया, मेरे घर के ड्राइंग रूम में ही रिकॉर्ड किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया था पहले। बट हमने काफ़ी जैसे अपने शूट वाले दिन भी सिर्फ मेकअप पर्सन मेरे पास आ पाती थी और जो डांसर्स थे सब कोविड टेस्ट करा के आए। तो इस तरीके के हमने प्रिकॉशंस ली, बट जितना हम चाहते कि हम एक दूसरे के साथ पहले मिलते पूरा एक स्टोरी क्रिएट करते, वो काफ़ी हमें फ़ोन पे जूम कॉल्स पे करना पड़ा। मेघा जी, आज आपका जो है वो सॉन्ग लॉन्च हुआ है लोहड़ी का, तो बेसिकली लोहड़ी जो है वो फेस्टिवल जैसे जैन में आता है, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि लोहड़ी का, क्योंकि कमिंग अभी लोहड़ी आने वाली है। जी, तो अगर आप मेरा YouTube चैनल देखें उसका नाम ही ये है इंडियन रूट्स, तो बहुत सोचना भी नहीं पड़ा। हमारे इंडियन कल्चर में इतने फेस्टिवल्स, इतनी सेलिब्रेशंस, इतना भरपूर हेरिटेज कल्चर रिचुअल्स हैं कि हर महीने आप कोई उस पर क्रिएटिव पीस निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने करवा चौथ का किया था, करवा चौथ की कथा रिकॉर्ड की थी, वो काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद मैंने दिवाली पे एक पोम लिखी, वो भी काफ़ी फेमस हो गई। तो फिर लगा कि अब जो बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में वो लोहड़ी है, और फार्मर्स की थोड़ी सिचुएशन देखते हुए भी बहुत मन हुआ उनके लिए कुछ डेडिकेशन सी देने का जी। तो इसलिए तो इसमें लगभग, मतलब ये जो आपका सॉन्ग है इसमें कितना टाइम लग गया, कितना टाइम पीरियड लग गया आपको बनाने में? शाश्वत आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल शाश्वत जी, आप बताइए। नहीं, मेगा जो है वो काफ़ी फास्ट काम करती है, तो मुझे लगभग 2 दिन लगा इसको रिकॉर्ड करने में। सो लगभग एक्चुअल में जो प्लानिंग है वो कुछ टाइम पहले से तो चल रही है। प्लानिंग तो देखिए मेरे ख्याल से 3 महीने से चल रही थी। मतलब हम बात तो बहुत टाइम से कर रहे थे कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे, बट अगर आप देखें, हमने 2 दिन में सॉन्ग रिकॉर्ड किया, विद इन 1-2 वीक्स हमने उसको रिकॉर्ड किया। थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगा जो लगा, बट बहुत फास्ट पेस्ड। आई थिंक वी हैड इट वेरी क्लियर अपने माइंड में कि हमें कैसा सॉन्ग, कैसा ट्रैक बनाना है, कैसी उसकी लुक एंड फील होनी चाहिए, कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्या आउटफिट्स होंगे, किस तरीके के बैकड्रॉप में डांसर्स होंगे, ये सब माइंड में पहले ही प्रोग्राम था। तो ये जो सॉन्ग है ये पंजाबी से जो है वो रिलेटेड है, और ये कहा जाता है कि पंजाबी के हर तीसरे घर में पंजाब के एक सिंगर जो है वो पैदा होता है। तो आप आगे भी जो सॉन्ग्स जो हैं वो गाएंगे वो सारे पंजाबी होंगे या फिर कुछ हिंदी सॉन्ग्स में भी आप? जी नहीं, अगर आप मेरा चैनल देखें तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में गाया है। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा कि पंजाबी में ही गाना है, जैसे जैसे मन होगा, जैसे जैसे कोई चीज़ अपील करेगी वैसे वैसे जी। शाश्वत जी, नेक्स्ट जो है आपका सॉन्ग जो है वो कब आप लॉन्च कर रहे हैं? जैसे ही मुझे मौका मिले। वैसे पर्सनली आई एम वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट, सो मार्च में तकरीबन हो सकता है कि मेरा एक नया एल्बम आए विद कपल ऑफ वीडियोस। बाकी मेघा नीड्स टू वर्क आउट व्हेन शी वांट्स टू कम अप विद द न्यू सॉन्ग। ओके, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी शाश्वत जी, जैसे कि जो अभी चल रहा है लेटेस्ट कि किसानों को काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और केंद्र सरकार जो है वो नहीं मान रही है, तो आपको क्या लगता है किसानों को आप क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही डीप सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब देने में मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे, पर अगर मैं 2-3 सेंटेंस में कहना चाहूँ तो आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, द जो नए बिल्स आए हैं, मुझे लगता है कि वो सही दिशा में हैं। लेकिन आप
अगर आप जैसे अगर कोई बाप होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती गला पकड़ के बच्चों को अच्छा करोगे तो वो ठीक नहीं है जी। तो आपको बातचीत करके समझा के स्लोली उनको कॉन्फिडेंस में लेके अगर आपको कोई बदलाव लाना है तो वो करना चाहिए। तो जो बदलाव है वो सही दिशा में है, लेकिन आप ज़बरदस्ती गला पकड़ के बदलाव नहीं कर सकते जी। लगे दिया रण सदा लोड़िया, पुतने पता से दिया।